तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जो कि है सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। तो हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है। सबसे पहली चीज जो सिटीजनशिप होता है स्टूडेंट्स, वो एक लीगल कंसेप्ट होता है। लीगल कंसेप्ट का क्या मतलब है अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, प्राइमरीली हम लोग यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की सिटीजनशिप लेने के दो प्रोसेस हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है ऑटोमेटिक प्रोसेस, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना होता और ये ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। तो किस सिचुएशन में हम ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे? अगर हम इंडिया में बर्थ ले रहे हैं। सो ऑटोमेटिक सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड बाय द बर्थ। इफ यू आर टेकिंग बर्थ इन इंडिया, ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसने इंडिया में बर्थ नहीं लिया और उसको इंडिया का सिटीजन बनना है, तो क्या वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है? आंसर इज एब्सोल्यूटली यस, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। बट कैसे? वो क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा दैट डियर इंडियन गवर्नमेंट, आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं लेट्स सपोज कि कोई इंसान है जो पाकिस्तान का है, अब उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप को गिव अप करना है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना है। तो इसके लिए वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा कि मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है, प्लीज अलाउ मी टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इंडियन लॉज और इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिट कर देती है इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, देन ही विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वी हैव सीन कि दो प्रोसेस हैं सिटीजनशिप लेने के। वन प्रोसेस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस, जहां आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आप बर्थ ले लेते हैं इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। सेकेंड जो प्रोसेस है वो बाय लॉज, थ्रू लॉज होके जाएगा। इसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी तो यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो हियर वी गो, इट कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑटोमेटिकली बाय बर्थ एंड बाय एप्लीकेशन बाय लॉस टू द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को आप अप्लाई करें, इफ इट विल परमिट यू विल बी द सिटीजन। ये जो कंसेप्ट हुआ वो लीगल कंसेप्ट हुआ, क्योंकि यहां आपको बाय लॉस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड लीगल प्रोविजन, एनी पर्सन हु इज नॉट बोर्न इन इंडिया स्टिल कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। एग्जांपल अदनान सामी। अदनान सामी देखिए, आप इसको शायद इनको जानते होंगे, ये काफी अच्छे सिंगर हैं। ये जो है बोर्न एंड बॉट इन पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन इनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी। इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया एंड नाउ ही is the citizen of India, ठीक है। Next, in any case, dual citizenship is not allowed in India. मतलब एक ही टाइम पे आप दो कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट बी अ ड्यूअल सिटीजन। आपको अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, लेट्स सपोज कि आप पाकिस्तान से हो और अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको पाकिस्तान की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ेगा, रीअनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप इज बिग नो। इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप इज not at all allowed. Now let's see what is residentship, ठीक है। तो देखिए जो residentship है that is the economic concept, और आपको residentship कब मिल सकती है उसके लिए दो आपकी conditions हैं। First condition, अगर आप किसी भी देश में, और प्राइमरीली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रह रहे हो, सेकंड कंडीशन, और इंडिया में आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, तो दो कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो यू कैन बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजनशिप की अलग कंडीशन है, रेजिडेंटशिप की अलग कंडीशन है। तो फर्स्ट क्या है रेजिडेंटशिप की? दैट यू शुड live in India for more than 1 year. Second condition क्या है? That you should carry out some economic activity. कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी आपको इंडिया में करनी है। और जब आप ऐसी एक्टिविटी इंडिया में करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, आपका इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी में लाई करेगा, क्योंकि आप यहाँ कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा काम जो आप पैसा कमाने के उद्देश्य से इंडिया में कर रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं आलिया भट्ट जी का। तो आलिया भट्ट जी हैं, वो सिटीजन है इंग्लैंड की, बट वो रेजिडेंट है इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया में रह रही है और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, तो वो इंडिया की रेजिडेंट हुई। लेकिन वो जो सिटीजन है, उनकी मदर की वजह से वो जो सिटीजन है वो इंग्लैंड की सिटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कैन ए पर्सन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री? सो आंसर इज अ बिग यस, ये चीज पॉसिबल है। एक जो पर्सन है, जैसे यहाँ आप आलिया भट्ट जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सिटीजन तो इंग्लैंड की है लेकिन जो रेजिडेंट है वो इंडिया की है। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है कि एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और दूसरी कंट्री का वही पर्सन रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस के लिए है वो ये है, Can a person be a citizen of two countries simultaneously? So answer in case of India is a big no. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, एक पर्सन दो कंट्रीज का सिटीजन नहीं हो सकता, ठीक है। Dual citizenship is not at all allowed in any case. So dual citizenship allowed nahi hai. So we get to know final 1 minute revision. Citizenship milegi by birth, by laws. Residentship milegi by carrying out some economic activity in the country or if you are living for more than 1 year in the country. ठीक है, जो citizenship है वो legal concept है और जो residentship है वो economic concept है. That's all for this concept. Thank you students.